हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? साइंस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट कॉपी कलम निकालिए और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सेल में बहुत सारा चीज देख चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, वो न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीज याद रखना है कि जितना जेनेटिक मटेरियल होता है ना प्रेजेंट, वो सब चीज न्यूक्लियस में होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रॉन, ठीक है? रॉबर्ट ब्रॉन के द्वारा 1839 में न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ। न्यूक्लियस अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से। जो पहले से न्यूक्लियस है वही डिवाइड करके फिर से नया न्यूक्लियस बनाता है ना। न्यूक्लियस जो होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स होता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन्स उसको बोलते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो, खुद का जेनेटिक मटेरियल हो और राइबोसोम हो और जरूरत पड़ने पर अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सके। सेल में जनरली एक न्यूक्लियस होता है लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर एक न्यूक्लियस है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिन्यूक्लिएट। दो है तो बाइन्यूक्लिएट, अगर बहुत सारा है तो पॉलीन्यूक्लिएट बोलेंगे। देखो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस में बहुत सारा न्यूक्लियोलस होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जो न्यूक्लियोलस है ना, ये रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन होता है, मतलब आरएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है? और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब क्रोमेटिन फाइबर है। तो पिछले क्लास में हम न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है, क्रोमेटिन फाइबर के बारे में, ठीक है? तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, अभी तो रिविजन करवा दियो। तो चलो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटिन फाइबर। टू में होगा, वन में न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियस में दो पार्ट है, क्या? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। तो आज पढ़ेंगे क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर, देखो क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है। बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में था ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो लिख देता हूं मैं, मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सही है? अब सुनिए, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब कंडेंस कर लेता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस्ड देन इट फॉर्म व्हेन क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस देन इट फॉर्म क्रोमोसोम्स, सही है? अब सुनो, देखो ये जो है ना क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर से, ठीक है? इसी को कंडेंस कर देंगे तो ये बन जाएगा क्रोमोसोम्स। देखो क्या मतलब है, एक क्रोमेटिन फाइबर है, एक कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा, है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में, क्या होता है क्रोमोसोम। तो देखो अब हेडिंग बना हुआ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, ठीक है? देखो क्रोमोसोम जो है ना वो हॉफमिस्टर के द्वारा डिस्कवर हुआ था। तो मैं लिख देता हूं, डिस्कवर बाय, क्रोमोसोम का डिस्कवर कौन किया? हॉफमिस्टर, ठीक है? अब सुनिए, द टर्म क्रोमोसोम वाज क्वाइंड बाय वाल्ड्रेयर। क्रोमोसोम वर्ड को कौन क्वाइंड किया, तो वो भी मैं लिख देता हूं, टर्म क्रोमोसोम्स वाज
क्वाइंड बाई वाल्टेयर, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जो क्रोमोजोम टर्म को दिए, क्रोमोजोम डिस्कवर हुआ हॉफमिस्टर के द्वारा, ठीक है। अब क्रोमोजोम क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है वो मैं बता रहा हूं, देखो आप इतना लिखो मैं पॉज करके बता देता हूं, या रहने दो अभी, ये देखो अभी क्रोमोजोम के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, इसके बाद क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर लिखना इधर वाला, देखो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो क्रोमोजोम के जो सेंटर वाला पोर्शन है जहां से दोनों फाइबर निकला हुआ है, लोब निकला हुआ है, इसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। देखो ये है क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है, और ये सेंट्रोमेयर है, चलो मैं लिख देता हूं, सेंट्रोमेयर है, दिखाई दे रहा सबको, ये सेंट्रोमेयर है, ये क्रोमैटिन फाइबर है, और एक क्या चीज का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम्स का, क्रोमो का मतलब होता है कलर। चलो एक क्रोमोजोम पर बहुत सारा डीएनए होता है, तो मैं लिख देता हूं, ऑन अ सिंगल क्रोमोजोम मेनी डीएनए आर प्रेजेंट, ऑन अ सिंगल क्रोमोजोम्स मेनी डीएनए आर प्रेजेंट। अब डीएनए क्या होता है वो उस पर मैं अभी बात करूंगा जस्ट इसके बाद। देखो ह्यूमन का जो सेल होता है ना, हर सेल में 46 क्रोमोजोम होता है, तो मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहूंगा, ईच सेल ऑफ ह्यूमन कंटेन 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम होता है मतलब 23 पेयर क्रोमोजोम होता है, ह्यूमन बॉडी है ना इसमें हर सेल में 46 क्रोमोजोम होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है 46 क्रोमोजोम, उस पर बात कर लेते हैं, चलो आप पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं, अभी क्रोमोजोम के ही बारे में बता रहे हैं, याद रखना कि ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम का जो है सेंटर है उसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं और इसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, सिंपल है, क्रोमोजोम का डिस्कवर हॉफमिस्टर किया था, द टर्म क्रोमोजोम वाज गिवन बाय वाल्टेरियर, ये सब चीज है। चलो देखते हैं, ह्यूमन में 23 पेयर होता है मतलब 46 क्रोमोजोम होता है, देखो 23 पेयर होता है ना इसमें 2 पेयर अलग तरह का है और 1 पेयर अलग तरह का है, ठीक है, ये जो 22 पेयर है ना ये ऑटोसोमल कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है और ये सेक्स कैरेक्टर को, जैसे बेबी बॉयज होगा या गर्ल्स होगा ये डिटरमाइन किया जाएगा 1 पेयर क्रोमोजोम के द्वारा, जबकि ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ना तो ये बॉडी के ऑटोसोमल कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, मतलब सेक्स को छोड़ करके बॉयज होगा या गर्ल्स होगा ये वाला कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सभी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, कैसे क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, तो आई कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, हाइट, जितना सारा कैरेक्टर है ना वो सब चीज इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि बेबी का सेक्स बॉयज होगा या गर्ल्स होगा ये डिटरमाइन करेगा 1 पेयर, चलो समझ गए, तो ऑटोसोमल ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है, मैं लिख देता हूं डिटरमाइन ऑटोसोमल कैरेक्टर, ऑटोसोमल कैरेक्टर सही है, जबकि ये डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड, डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड सही है। अब सुनो ये जो 22 पेयर है ना ये गर्ल्स और बॉयज दोनों में सेम होता है और सिर्फ चेंजिंग इसका होता है, 1 पेयर बदलने से ही जेंडर बदल रहा है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, जबकि डिफरेंट ये अलग होता है, दोनों में डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन या डिफर इन या डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल सही है। देखो
तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलो थोड़ा और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, नोट्स करके लिखवा देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो याद रखोगे, एट में भी पढ़े होगे, एकदम सिंपल है। अब सुनो क्या है ना, दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका क्रोमोजोम बना हुआ है हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए का, सॉरी यूकैरियोट्स क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है यूकैरियोट्स का क्रोमोजोम। जबकि प्रोकैरियोट्स का बात करेंगे ना, तो वो सिर्फ डीएनए से बना हुआ है। तो बताओ कौन क्रोमोजोम ज्यादा एडवांस है, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स वाला? प्रोकैरियोट्स वाला यूकैरियोट्स वाला ज्यादा एडवांस है, क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी है और डीएनए भी है, समझ रहे हो ना? हाँ गुड। जबकि प्रोकैरियोट्स वाला जो क्रोमोजोम है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए है। तो चलो मैं लिख देता हूं, यूकैरियोटिक क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए क्या होता है उस पर अभी हम बात करते हैं, वेट करो, ठीक है? जबकि दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे पा रहा है? चलो यहां पर दिखाई देगा सबको, मैं लिख देता हूं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम जो बना हुआ है केवल डीएनए का बना हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीज क्रोमोजोम के बारे में बता दिए, अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है? तो चलो इसको आप लिखो, फिर मैं डीएनए के बारे में बताता हूं। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हूं, ले लिए? चलो ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अब देखो नया हेडिंग बनाओ डीएनए, आप हेडिंग बनाओगे डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म याद रखोगे सब, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सही है? देखो डीएनए जो होता है ना, इसमें डबल हेलिक्स मॉडल होता है, विच वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1952। तो मैं लिख देता हूं, डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो मैं लिखने दो, मुझे लिखने दो, सब समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा स्ट्रक्चर बना करके, अभी कुछ लिखने दो टर्म। इट इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो डीएनए क्या होता है ना, अभी उतना तो आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा, नहीं आ पाता है, नाइन टेंथ में नहीं आता है समझ में। देखो ये ना राइपेंटोज राइबोज शुगर है, ये स्ट्रक्चर हायर क्लास में पढ़ोगे, तो ऐसा ऐसा यूनिट बहुत सारा जुड़ता है, ऐसा ऐसा यूनिट बहुत सारा एक साथ जुड़ता है थ्री और फाइव इंड से, ऐसा ऐसा यूनिट बहुत सारा जुड़ेगा थ्री और फाइव इंड से, और जुड़ने के बाद वन स्टैंड ऑफ डीएनए बनेगा। इसी तरह इधर भी स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर इधर भी होगा, ये क्या चीज का स्ट्रक्चर बना रहे, पेंटोज शुगर है, तो ये थ्री और फाइव यूनिट से जुड़ता है, तो एक एक यूनिट जुड़ रहा है न्यूक्लियोटाइड का, जुड़ेगा यहाँ फॉस्फेट लगेगा, यहाँ पर बेस लगेगा, सब आएगा समझ में, अभी वेट करो। तो तुम समझना कि ऐसा कुछ एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, ऐसा ऐसा बहुत सारा यूनिट मिलता है, तो एक चेन की तरह बन जाएगा सीधा, तो इसी तरह का फिर अपोजिट वाला बेस पेयर से ये अटैच होगा दूसरे साइड में,
तो दो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा तो डबल हेलिक्स बनेगा। इसको अभी हम बात करते हैं, इसको हम क्यों बताएं, क्योंकि आपको समझ में आए कि न्यूक्लियोटाइड जो वन यूनिट बनाए है ना वो न्यूक्लियोटाइड होता है और वैसा वैसा बहुत सारा यूनिट बनेगा जुड़ेगा तो एक चेन बनेगा। तो एक चेन इधर बन गया, एक चेन इधर बन गया, अब डबल हेलिक्स हुआ तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है डीएनए, इतना याद रखना है। देखो डीएनए जो होता है ना वो डबल हेलिक्स होता है, तो मैं लिख देता हूं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवेन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1952। दिखाई दे रहा है यहां तक सबको? देखो इसको 3 इंड बोलेंगे और जस्ट इसके अपोजिट वाले को 5 इंड बोलेंगे, फिर इसको 5 इंड बोलेंगे और इसको 3 इंड बोलेंगे। ये जो क्वाइलिंग होता है ना ये एंटी पैरेलल होता है, मतलब एक इंड 3 है इधर तो इसका अपोजिट 5 होगा, तो 3 से कौन अटैच होगा 5, और 5 का उल्टा फिर 3 हो जाएगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। देखो डीएनए जो होता है ना इसमें वन पिच कहने का मतलब कि ये जो डीएनए है ना ये 3D स्ट्रक्चर है और दोनों ऐसे क्वाइल है, जैसे किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर जो सीढ़ी लगाया हुआ रहता है बाहर से लोहा वाला, तो देखना एक ऐसे बीच में एक्सिस रहेगा रड और सीढ़ी चारों तरफ से ऐसे 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 करते हुए ऊपर तक जाता है, तो वो 3D स्ट्रक्चर है, तो ये भी 3D स्ट्रक्चर है। तो इसको एक बार टर्न लेने में 360 डिग्री टर्न लेने में लेगा तो उसको 1 टर्न बोलेंगे। तो यहाँ पर पूरा एक बार टर्न ले पा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 टर्न। तो 1 टर्न जो होता है ना उसका लेंथ 3.4 नैनोमीटर होता है और इसका जो दोनों के बीच से 3 और 5 इसका कुछ ना कुछ डायमीटर है, तो अगर इसका बात करोगे तो 2.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ ये जो आप देख रहे हो ना ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेस के पेयर में, जैसे ये है ना तो टी से जुड़ता है, मतलब एडेनिन थायमिन। चलो फिर से समझो ध्यान से, देखो डीएनए पढ़ा रहे हैं, ठीक। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक 1953 में, गलती से लिखा गया था, ठीक है, 1953 में दिया गया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो डीएनए जो है ना वो 3D स्ट्रक्चर है, दोनों ये 3D स्ट्रक्चर दोनों पैरेलल एक दूसरे को टर्न लेता है राइट हैंडेड फैशन में, ठीक है। तो अब समझो एक टर्न मतलब एक टर्न लेना है पूरा, मतलब 360 डिग्री, तो यहां से यहां तक आपको नहीं लगता है 1 टर्न हो रहा है, यहां से यहां 80 डिग्री हुआ, फिर यहां से यहां 80 डिग्री हुआ, तो ये पूरा मिला करके 360 डिग्री हुआ, मतलब एक टर्न। तो एक टर्न लेने में इसका लेंथ हो जाता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो आप ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन ये सब बेस पेयर है, ठीक, ये सब अटैच होता है, आएगा धीरे धीरे समझ में शुरू। तो अभी ये मेन बात ये समझो कि ये जो दो बेस पेयर देख रहे हो ना ये दोनों बेस पेयर का जो बीच का डिस्टेंस होता है ये 3.034 नैनोमीटर का होता है, 0.34 नैनोमीटर का होता है, लिख दिए। देखो इसी को लैंग्वेज में भी यहाँ लिख दिए, द पिच ऑफ हेलिक्स इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर, जो एक पिच होता है ना वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। एक पिच में 10 बेस पेयर होता है, देखो ये बेस पेयर है 1 2 3 4 5, पूरा 360 डिग्री पूर्णे में 10 ऐसा बेस पेयर हो जाएगा, हर बेस पेयर के पास 3.6 डिग्री से ये टर्न करता है, एट ईच बेस पेयर हेलिक्स टर्न 3.6 नैनोमीटर, हर बेस पेयर पर 3.6 नैनोमीटर से टर्न करता है। तो ऐसा ऐसा एक टर्न में कितना है 10 बेस पेयर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर है,
तो एक के जगह पर 3.6 टर्न कर रहा है, तो 10 में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो 360 हो गया, एक बार घूम गया डीएनए। तो देखो फिर मैं लिख दिया हूं देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, एक टर्न का मतलब 360 डिग्री। देखो अपने से देखो ये टर्न है, तो यहां से यहां, यहां से यहां कितना हो गया 180 डिग्री होता है ना, ये 180 डिग्री, फिर ऐसे आके मुड़ गया, फिर 180 डिग्री, तो अब रियल में 360 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर मैं लिख दिया हूं द डिस्टेंस बिटवीन इन अ बेस पेयर, ये जो बेस पेयर है इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है ना 3.4 नैनोमीटर का होता है। अब सुनो, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या क्या होता है इस पर बात करेंगे। आप इसको लिखोगे पहले, इसके बाद ये तीनों पॉइंट लिख लेना, लिख लोगे हाँ, तो इसके बाद मैं फिर लिख देता हूं यहां पर कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं। फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस, फॉस्फेट होता है, और क्या होता है, शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर बनाए थे ना समझाने के लिए, ये 5 कार्बन का शुगर है, देखो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं लिख देता हूं पेंटोज शुगर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेसेस होते हैं कुछ, बेस में क्या क्या होता है बताओ, एडेनिन होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ग्वानिन होता है जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और थाइमिन जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखोगे कि ए पेयरिंग करता है टी के साथ, जी पेयरिंग करता है सी के साथ, तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, देखो ए जो है ना वो टी के साथ पेयरिंग करता है तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, जबकि जी सी के साथ पेयरिंग करता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको याद रखना है। तो डीएनए में सीधा आप याद रखना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये दिखाई दे रहा है सबको, देखो। तो इस तरह से डीएनए के बारे में समझा दिए, थोड़ा हमको लगता है अच्छा से क्लियर कट नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप समझो। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपको बोला जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे आप बना देना, एक तरफ लिखना 3 एंड, एक तरफ लिख देना 5 एंड, एक तरफ फिर लिखना 5 एंड, तो उसका अपोजिट कर देना आप, एक सेकेंड 3, हाँ तो इसका होगा 5 और यहाँ पर है 5 एंड, तो यहाँ हो जाएगा 3 एंड, ठीक है। इसके बीच में ऐसे आप, ये तो 2D में दिखा रहे हैं ना, इसलिए आप 5-5 बेस पेयर ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक। और आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने का मन होगा तो 3 ये एंटी पैरेलल है, देखो एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे का पैरेलल, ये राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल होता है, ठीक है। तो पैरेलल कहने का मतलब ये दोनों स्टैंड का बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस नहीं है, ये 3D में इमेजिन करो अलग अलग है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो ये 3 इंड है, इसका अपोजिट 5 है, यहाँ 5 है, इसका अपोजिट 3 है। तो आप बता देना कि एक टर्न होता है ना उसका लेंथ 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक। फिर इसको आप बता देना शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, मैं यहां भी मेंशन कर देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हूं ना इसमें ये तुम जो देख रहे हो जो क्वाइल किया हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, सही है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉडल होता है, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में, ठीक है। डीएनए में क्या क्या होता है, तो फॉस्फेट होता है, पेंटोज शुगर होता है, और बेस होता है, बेस में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, इसमें याद रखना है कि ए टी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ पेयर करता है, मतलब ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। ए और टी के बीच में जो पेयरिंग होता है इसमें 2 बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच का जो पेयरिंग होता है इसमें 3 बॉन्ड होता है, और एक टर्न लेता है तो 360 डिग्री बनता है। हर टर्न में, एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है, एक टर्न मतलब ये पूरा हुआ एक टर्न, इसमें 10 बेस पेयर है। तो ये सब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपल है।
तो आपको इतना ही याद रखना है कि डीएनए में फॉस्फेट होता है, बेस होता है और पेंटोज शुगर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में। बस इतना ही रहने दो, ये भी याद रख लेना। एडेनिन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है जिसमें दो बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है जिसमें तीन होता है। अब सुनो, अब हम आगे में जीन के बारे में बताएंगे, तो अभी आप समझो। पहले आप इतना लिखोगे, पहले इसको लिखोगे, उसके बाद आप इस स्लाइड को लिखोगे, यहां से यहां आप लिखोगे पेज नंबर टू में, इसको वन में लिखोगे, फिर आप इसको लिख लेना थर्ड में और इसको लिख लेना फोर्थ में। मैं सीक्वेंस बता दिया हूं कैसे कैसे लिखना है। पहले इसे लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखना, अरेंज में सही रहेगा, ठीक। अब जीन के बारे में बताएंगे। चलो जीन क्या होता है, तो ये डीएनए है ना, तो डीएनए में ही जीन होता है, बहुत सारा, एक डीएनए पर बहुत सारा जीन होता है। जीन किसको बोलेंगे, द पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव सम इंफॉर्मेशन, डीएनए का वैसा पार्ट जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उसी को हम लोग जीन बोलेंगे। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि डीएनए का कुछ पार्ट है लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक, तो उसको हम लोग जीन नहीं बोलेंगे। जीन उसको बोलेंगे द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैरी सम इन्फॉर्मेशन, जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो उसको जीन बोलेंगे। तो आगे में पढ़ते हैं जीन क्या होता है, क्या, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जीन के बारे में पढ़ा रहा हूं। देखो मैं लिख दिया हूं टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। देखो क्या होता है, जीन के बारे में बता रहे हैं। जीन क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए का ही पार्ट होता है जीन। डीएनए में बहुत सारा पार्ट हो सकता है लेकिन वो ऐसा पार्ट जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो उसी को हम लोग जीन बोलेंगे। तो मैं लिख दिया हूं जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का पार्ट है। देखो द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैरी सम इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड जीन। डीएनए का वैसा पार्ट जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अब देखिए, अ सेल कंट्रोल, अ सेल कंटेन 46 क्रोमोजोम, एक सेल में 46 क्रोमोजोम होता है। हर एक ह्यूमन के सेल में, ह्यूमन के जितना सारा सेल है हर एक सेल में 46 क्रोमोजोम होता है, जिस 46 क्रोमोजोम पर 30,000 to 40,000 जीन आर प्रेजेंट, मतलब कि एक क्रोमोजोम पर बहुत सारा जीन होता है प्रेजेंट, सही है, बहुत सारा जीन प्रेजेंट होता है, जिसमें हाफ जीन मदर से आता है और हाफ जीन फादर से आता है। वही बात मैं लिख दिया हूँ, सेल कंटेंट 46 क्रोमोजोम ऑन विच 30,000 to 40,000 जीन आर प्रेजेंट, इन विच हाफ कम फ्रॉम फादर एंड हाफ कम फ्रॉम मदर, ठीक है। देखो हॉट कॉन्सेप्ट एक जानने वाला बात यह है कि जीन क्रोमोजोम डीएनए में कैसे डिफाइन करोगे, कौन क्या है, सब में बोल दिया जाता है हेरिडिटरी मटेरियल। हाँ सही बात है, सब में जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन क्रोमोजोम को एक अपार्टमेंट मानो, बड़ा सा अपार्टमेंट है जो कि क्रोमोजोम है। एक अपार्टमेंट में बहुत सारा फ्लैट होता है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फ्लैट बोलो या फ्लोर बोलो, ठीक है। तो ये जो अपार्टमेंट हो गया ये क्रोमोजोम है बड़ा सा, और एक अपार्टमेंट में बहुत सारा फ्लैट है, तो फ्लैट है तो ये हो गया डीएनए, मतलब कि क्रोमोजोम के अंदर ही है डीएनए, ठीक, मतलब क्रोमोजोम से छोटा हो गया डीएनए। और ये जो रूम है, तो एक फ्लैट में बहुत सारा रूम होगा तो बहुत सारा जीन हो गया, रूम को जीन से कंपेयर करो। कहने का मतलब एक क्रोमोजोम है तो बड़ा सा अपार्टमेंट, उसमें बहुत सारा फ्लैट है तो उसको डीएनए समझो, बहुत सारा रूम है तो उसको आप जीन समझो, मतलब सबसे बड़ा यूनिट हुआ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ही अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर ही जीन होता है। तो डीएनए पढ़ा दिए, क्रोमोजोम पढ़ा दिए, जीन पढ़ा दिए, है ना। तो अब देखो ये जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सबसे छोटा यूनिट है, यही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए। हम लोग अपने फादर मम्मी पेरेंट से रिजिम्बल करते हैं, मिलते जुलते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर है, पूरा कैरेक्टर आया है लेकिन कुछ वेरिएशन आ गया है। आगे में पढ़ेंगे, क्लास टेंथ में पढ़ोगे, वेरिएशन मतलब बदलाव। हम लोग एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह नहीं है, नहीं तो फादर की तरह, नहीं तो मदर की तरह, कुछ ना कुछ बदला हुआ कैरेक्टर है। हम लोग के जितने भाई बहन है वो भी एक दूसरे से एग्जैक्टली नहीं है,
लेकिन दोनों सेम पेरेंट्स से आए लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। क्यों नहीं है एग्जैक्टली? क्योंकि वेरिएशन हो गया है, कुछ ना कुछ बदलाव आया है, चेंजिंग हुआ है, जिसके वजह से ये हो गया। तो जीन ही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए। हम लोग के फादर का कैरेक्टर या मदर का कैरेक्टर हम लोग में आया है, कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, हाइट, ब्लड ग्रुप, आईब्रो, ईयर लोब, किसी का अटैच होता है, किसी का फ्री होता है, देयर इज सो मेनी कैरेक्टर, तो बहुत सारा चीज मिलता जुलता है। तो क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि यही जीन हमारे पेरेंट के थ्रू हम में आ गया है। कैसे आ गया पेरेंट के थ्रू? तो पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, मेल गेमेट्स स्पर्म, फीमेल गेमेट्स ओवम, दोनों फ्यूज करके जायगोट हुआ। तो जो स्पर्म है ओवम है उसी में जीन है, उसमें सेल है वो एक तरह का, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ही ये जीन है प्रेजेंट, वो दोनों का जीन आके जायगोट में फ्यूज हो गया ना। तो वही जीन फादर का कैरेक्टर स्पर्म के थ्रू और मदर का कैरेक्टर ओवम के थ्रू लेकर के आया, और दोनों का कैरेक्टर हम लोग में है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कौन? जीन। ठीक है, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच कैरेक्टर, बॉडी में जितना सारा कैरेक्टर है उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? कि यह सेल के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, इट कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। समझा दिए कैसे कैसे होता है? ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, जैसे एक सेल है तो एक सेल से दो सेल बनेगा, ये डिवीजन हो रहा है ना, इसी को कंट्रोल करता है। तो आज न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया, इतना ही रहने दीजिए, अगले दिन फिर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। जो भी डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, कमेंट सेक्शन में पूछना, नहीं समझ में आएगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, आप हमें फीडबैक देना। थैंक यू।